So hey guys, welcome back to another new video. My name is Mohit and you are watching Digital Mohit. Facebook marketing tutorial का हमारे third video है और आज हम देखने वाले Facebook page कैसे create करते हैं। इसके पहले के दो videos में मैंने पूरा explain किया है कि Facebook account क्या होता है, Facebook page क्या होता है, दोनों का difference भी बताया था और काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें मैंने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप क्लियर की थी। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो ज़रूर उसको चेकआउट करना, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि आज हम सब कुछ प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक पेज दिखता कैसे, उस पर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आप अपना खुद का फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कंप्लीट जो ट्यूटोरियल है ये टोटली फ्री है। फ्री मतलब इसके लिए मैं आपको कोई भी चार्जेस नहीं लेने वाला हूँ। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे होंगे जिसमें आपको थोड़ा बहुत बताते हैं और उसमें आपको बोलते हैं कि पेड कोर्स के लिए आप एनरोल कर सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट पूरा फ्री कोर्स है। इसमें आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना टाइम देना है और आपको मेरे वीडियोज़ को प्रॉपरली देखना है और खुद प्रैक्टिकली आपको करना है, क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली पढ़ा रहा हूँ। तो डेली मैं इस पर वर्क करता हूँ तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, सब कुछ आपको लाइव प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। तो गाइस चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज आपके लिए आने वाले समय में मेरे वीडियो और मैं खुद आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि इस सीरीज़ को और आगे बढ़ने में मदद हो और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगे आप सबका सपोर्ट। तो गाइस चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले गाइस आपको फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, जैसे कि कल मैंने बताया था फेसबुक अकाउंट बहुत ज़रूरी है। तो फेसबुक अकाउंट आपका जो भी होगा आप उससे मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि ये मेरा पर्सनल अकाउंट है डिजिटल मोहित। आप मुझे मेरे फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल से भी पेज क्रिएट कर सकते हो, आप अपने लैपटॉप से भी कर सकते हो, मैं आपको लैपटॉप से सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो लैपटॉप में आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन है पेजेस का, जहाँ से आप अपने सारे पेजेस को मैनेज कर सकते हो। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखता है तो आप सी मोर में जाके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ पेजेस पे, तो ऑलमोस्ट अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो पेजेस है पेजेस यू मैनेज यहाँ पे लिख के आया हुआ है और मैं कितने पेजेस मैनेज करता हूँ सब पेजेस के आपको नाम भी दिखेंगे, जैसे कि ऑरेंज सिटी इवेंट्स, कागरेक, नागपुर, रुचिरा कैटरिंग सर्विस, ऐसे कई सारे पेज आपको यहाँ पे मिलेंगे। ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं अपने अकाउंट में 21 पेजेस को मैनेज कर रहा हूँ अलग अलग कंपनीज के, तो ये सारे पेजेस मैं यहाँ से मैनेज करता हूँ। तो अगर मैं एग्जांपल दूँ कोई पेज का, अगर आपको पेज को देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि मैं ये गोवर्धन का एक पेज आपको दिखाता हूँ विजिट करके। सो गाइस अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक पेज ओपन किया जिसका नाम है गोवर्धन, जो कि मैं मैनेज करता हूँ। और यहाँ पे आप सबसे ऊपर आप देख सकते हो ये कवर फोटो आपको दिख रही होगी, यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा, यहाँ पे कंपनी का नाम दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक बटन दिख रही है सेंड मैसेज की। भाई अगर आप यहाँ पे देखते होंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, होम का, मेनू का, शॉप का, सर्विसेज का, मोर में आपको और कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि रिव्यूज, फोटोज, वीडियोस, अबाउट एंड कम्युनिटी। ये हम इस टैब्स को अलग अलग, ये जो टैब्स हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे अबाउट अस में आपको कंपनी की सारी डिटेल्स दिखेंगी, जैसे कि कंपनी का एड्रेस, कंपनी का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, उसके बाद कितने लोगों ने इसको लाइक किया इस पेज को ये भी आपको दिखेगा, उसके बाद कितने लोगों ने फॉलो किया है, उसके बाद वेबसाइट का URL आपको दिखेगा, मोबाइल नंबर दिखेगा, अगर आपको चैटिंग करना है तो सेंड मैसेज का बटन है, उसके बाद व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस, इसका वर्किंग आवर्स आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे कि आप लिखा है ऑलवेज ओपन। उसके बाद हेल्थ कैटेगरी आपको दिखेगी, मतलब कंपनी की कैटेगरी किस में आती है, फूड में आती है, ट्रैवलिंग में आती है, एजेंसी, बिजनेस या इंश्योरेंस, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज होती है बिजनेस की, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो फोटोज में आपको फोटोज दिखेंगे, वीडियोज में वीडियोज दिखेंगे, और जैसे नॉर्मली हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं जस्ट आपको यहाँ पे फोटो वगैरह पोस्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो मोबाइल पे भी सेम आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो और कर भी सकते हो। अब ये है कुछ प्रोडक्ट का, अगर आपको कुछ प्रोडक्ट देखना है इस पेज पे तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट भी लिस्टिंग किए हुए हैं, जैसे कि आप शॉप में आप देखोगे तो जैसे कि श्रीखंड है जिसकी प्राइस है 500, मक्खन है, मिल्क है 80 रुपीज़ पर लीटर, ये पनीर है, घी है, छाछ है, दही है, तो सारे प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे लिस्टिंग करके रखे अपने फेसबुक पेज पे। तो ऐसा आप खुद भी ये कर सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो पेज पे ये सब कुछ होता है और इसको सारा कस्टमाइज करना होता है, तो देखते हैं धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में। तो फेसबुक पेज ये है, अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं फेसबुक पेज वो अभी हम देखते हैं। तो मैं फिर से एक बार पेजेस पे चले जाता हूँ।
तो सिंपली आपको फिर से एक बार पेजेस पे विजिट करना हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ न्यू पेज। आप यहाँ पे मल्टीपल कितने भी पेजेस अपने एक अकाउंट में क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है तो आप अपने कंपनी का एक फेसबुक अकाउंट बनाइए, उसमें आप मल्टीपल अलग अलग अपने क्लाइंट्स के पेज मैनेज कर सकते हो। अब किसी और का क्लाइंट का पेज ऑलरेडी बना है तो उसका भी पेज आप अपने इसमें एक्सेस ले सकते हो। कैसे ले सकते हो ये भी मैं आने वाले वीडियोस में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप पूरा कंप्लीट बने रहिए, पूरे सीरीज में बने रहिए। तो अभी हम देखते हैं कि पेज को कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे क्रिएट न्यू पेज। ये सब कुछ आप अपने मोबाइल पे भी मैनेज कर सकते हो। तो सिंपली मैं इस पे क्लिक करता हूँ क्रिएट न्यू पेज पे, और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस पूछेगा जब आप पेज को सेटअप करते हो, जैसे कि पेज नेम। तो यहाँ पे मैं अपना YouTube का नाम दे देता हूँ डिजिटल मोहित नागपुर, ठीक है, या मैं लिख लेता हूँ डिजिटल मोहित कम्युनिटी, ठीक है, ऐसा मैंने नाम दे दिया डिजिटल मोहित कम्युनिटी। एक मैं पेज का नाम दे रहा हूँ, आप अपने बिजनेस का भी नाम दे सकते हो, आप अपना खुद का नाम भी दे सकते हो जो कि यूनिक रहे, मतलब सेम नाम आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग यूज़ कर रहा हूँ तो आप डिजिटल मार्केटिंग सेम यूज़ नहीं कर सकते, उसके आपको सामने कुछ लिखना पड़ेगा या पीछे कुछ लिखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे आपको ये खुद बताता भी है, सजेशन भी देता है। यहाँ पे यूज़ द नेम ऑफ योर बिजनेस ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन और अ नेम ऑफ दैट एक्सप्लेन व्हाट पेज इज अबाउट। आप अपने शॉप का नाम दे सकते हो, जो भी चाहिए आप अपना यहाँ पे नाम दे सकते हो बिजनेस का, राइट। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी मेंशन करना है कि आपका जो पेज है वो किस कैटेगरी का है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे शॉपिंग, अगर मेरा शॉपिंग वाला है तो मैं यहाँ पे शॉपिंग सर्च करूँगा तो मुझे उस रिलेटेड यहाँ पे कैटेगरीज ये बताएगा, जैसे कि यहाँ पे शॉपिंग सेंटर सर्विस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कम्युनिटी तो देखते हैं हमारे पास कम्युनिटी कैटेगरी आता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लाला है बिजनेस, और बिजनेस में बिजनेस सेंटर, बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस सप्लायर सर्विस, या मैं डिजिटल मार्केटिंग भी डाल सकता हूँ, या मैं मार्केटिंग भी डाल सकता हूँ, ठीक है, मैं मार्केटिंग डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी वाइज मेंशन कर सकते हो, जो भी आपको कैटेगरी डालना है आपको यहाँ पे टाइप करना है अपना कैटेगरी का नाम, और जो भी आप कैटेगरी यहाँ पे टाइप करोगे ये आपको नीचे सजेशन देगा, आपको सजेशन को क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने मार्केटिंग डाला तो आप देख सकते हो मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, तो यहाँ पे जितने भी हैं मैं एक कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लगता हूँ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, ठीक है। आप यहाँ पे तीन कैटेगरी मेंशन कर सकते हो, अब मैं एक ही करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डालना अपने बिजनेस का, ठीक है, ये आप बाद में भी डाल सकते हो, बट अभी आपको फिलहाल के लिए कुछ ना कुछ अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है, ऐसा मैंने लिखा दिस पेज इज फॉर न्यू यूट्यूब क्रिएटर हु वॉन्ट्स टू ग्रो देयर चैनल, ठीक है, ऐसा मैंने लिखा। आप डिस्क्रिप्शन आप अपने बिजनेस का ही लिखना है, ये जस्ट मैंने ऐसा ही टाइप किया, मैं इसको बाद में करेक्शन करने वाला हूँ। तो सिंपली आपको ये तीन स्टेप्स कंप्लीट करना था, और उसके बाद आपको करना है क्रिएट पेज पे क्लिक। तो यहाँ पे ये सब ऑप्शन चेक करेगा, आपका नाम, आपका कैटेगरी और आपका डिस्क्रिप्शन, और जैसे ही आपका ये हो जाएगा तो आपको बोलेगा डिजिटल मोहित कम्युनिटी वॉज क्रिएटेड, यू कैन नाउ ऐड इमेजेस और गो टू योर पेज एंड ऐड मोर डिटेल्स, राइट। तो हमारा पेज अब हो चुका है कम्प्लीट। अब जैसे हमारा पेज कम्प्लीट हो चुका है तो आप देखो कि नीचे हमारे पास दो ऑप्शन और ओपन हो चुके हैं, इमेज एंड कवर पेज। तो ये कैसे दिखते हैं मैं आपको बता देता हूँ, हम चलते फिर से एक बार पेजेस पे अपने। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैं फिर से एक बार पेजेस पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे जितने भी पेजेस है वो सब आपको दिख रहे होंगे। तो जो अभी हमने पेज क्रिएट किया वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा नीचे। तो अभी आप देख सकते हो डिजिटल मोहित, और यहाँ पे कोई डीपी नहीं है, इसका कैटेगरी आपको दिख रहा है जीरो लाइक्स। तो इसको अगर मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, सो गाइस अभी आप देख सकते हो जैसे मैं पेज पे क्लिक किया तो मुझे सबसे पहले बोल रहा है कनेक्ट योर फेसबुक पेज टू व्हाट्सएप। तो फिलहाल मैं इसको नहीं करता हूँ, हम सारे प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, राइट, तो इसको मैं लीव कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि मेरा पेज कम्प्लीटली बन चुका है, बट इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन अभी भी बाकी है। तो जैसे कि कवर फोटो, उसमें के बाद लोगो, बिजनेस का नाम ऑलरेडी दिया है, हम इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। क्रिएट यूजर नेम अभी हमें करना पड़ेगा, वो भी हम करेंगे, यहाँ पे एक बटन भी लगाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है सेटअप योर पेज फॉर सक्सेस और 3 out of 13 स्टेप कम्प्लीटेड, मतलब 13 स्टेप्स आपको यहाँ पे कम्प्लीट करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें देखेंगे वन बाय वन। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे कस्टमाइजेशन में आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आपको प्रोफाइल पिक्चर लगाना है, कवर फोटो लगाना है, पेज का नाम, कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन, ये तीन हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, बट हमें और 13 स्टेप्स कंप्लीट करना है। तो ये 13 स्टेप जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा फुल्ली जो पेज है वो क्रिएट हो जाएगा,
तभी हम उसको लोगों तक शेयर कर सकेंगे, राइट। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सारे वीडियोस में बताऊंगा आने वाले, तो वीडियो में पूरा बने रहिए एंड तक। आने वाले सीरीज में पूरे वीडियोस देखते रहिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल ये वीडियोस होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सेटअप करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स मैंने आपको बताया। आपको पेज का नाम रखना है, पेज की कैटेगरी और पेज का डिस्क्रिप्शन। इसके बाद आपको पेज की सारी सेटिंग्स करना होता है, जैसे कि इमेज, जैसे कि कवर फोटो, उसका डिस्क्रिप्शन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब कुछ फिल करना होता है। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हमारे फोर्थ ट्यूटोरियल में। तो इस वीडियो में आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि पेज कैसे क्रिएट करते हैं, पेज में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कैसे वो पेज दिखता है। अगर आपके कुछ भी डाउट होते हैं इस वीडियो में तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं और आने वाले वीडियोज़ में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो क्लियर हो चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं नीचे भी, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं जहां पे आपको सारे रिप्लाईज दूंगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो दोनों कर दीजिए और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल।